कमेंट्स जो हम लोगों ने देखे वो ऐसे लगे जहां पे आपको कुछ बताना जरूरी है, ठीक है। कुछ बच्चों ने अलग धारणा बना ली कि सर टर्म वन खराब हो गया तो आप टर्म टू में क्या ही कर लेंगे, ये बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। आप तब तक नहीं हारते हैं जब तक आप हार मान नहीं लेते हैं। अब जिसने मन से हार मान ली है फिर वो कहीं से नहीं जीत सकता है, और जिसने आज भी मन में ये हिम्मत रखी है कि अभी क्या हुआ, टर्म वन ही गया ना, टर्म टू है मेरे पास, एक बार फिर से मेहनत करूंगा, तो वो वाला खेल है यहाँ पे पूरा, ठीक है। किसी के कम भी आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नंबर तो क्या है, नंबर सिर्फ एक बेंचमार्क होता है कि आपने इतने में से इतने लाए हो, बाकी ये नंबर जो है आपका जीवन डिफाइन नहीं करने वाले। एक चीज और बता दे रहा हूं मैं आपको, बाकी ये रहता ना एक थोड़ा एड्रेनल रश रहता है कि हम जो मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का परिणाम क्या आया है, ठीक है। जैसे क्रिकेट मैच में क्या होता है कि हमें ये पता है कि हम जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ मैच देखते हैं खेलते हैं, वैसे ही है कि आपके टर्म वन का रिजल्ट जो है तो वो आपका जीवन डिफाइन नहीं करने वाला है, लेकिन ये है कि हम एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं और सारी चीजों को। क्या है हमेशा है ना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हाउ टू चेक योर प्रोग्रेस या फिर हाउ टू कम्पीट विथ एनीथिंग और इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, अब अपने आप को बेहतर कैसे करो। एक बहुत अच्छी मैं आपको टिप देता हूँ कि जीवन में हम अपने आप को बेहतर कैसे करें, जीवन में हम कंपटीशन में कैसे अपने आप को एनालाइज करें, ये सारा सब कुछ सीखना है ना, तो उसका सीखने का तरीका एकमात्र सीधा ये है कि अपने कल को अपने आज से कंपेयर करो। कल आपने अगर अपना 80% दिया था तो आज प्रयास करो कि आज आप 81% दो, ठीक है। तो जितने बच्चे कह रहे हैं सर 35 आए 36 आए हैं, वो सब लोग ये ट्राई करो कि अब टर्म टू में आप थोड़ा और पुश मारोगे, 36 को 38 बनाओगे, ठीक है, 38 को 40 बनाओगे, और जिसके 40 आए हैं तो लालच बुरी बला है, ठीक है। तो मन में सब्र रखो कि जैसे आपकी कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस थी वो कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे, ठीक है। प्यारे बच्चे समझो मेरी बात को, अब जिसके